कितने लोग पकड़े गए, क्या क्या हुआ? दो लोग पकड़े गए हैं, दो अब वो एक्चुअली दो संदिग्ध सिविल लाइन साइड में जो मोटरसाइकिल उनके पास थी एक, तो उनसे कुछ पूछताछ हुई तो उनके पास से कुछ मोबाइल्स मिले। उनमें एक का नाम है शमशाद पुत्र बुचुन और दूसरा है अजीत वर्मा। ये दोनों नैनी के रहने वाले हैं और इनके द्वारा बताया गया, जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग मोटरसाइकिल्स चोरी करते हैं एवं मोबाइल्स, जो भी छिनैती की घटनाएं जो रेलवे स्टेशन परिसर पर और परिसर के बाहर भी, और इनकी निशानदेही पर 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। उसमें से एक मोटरसाइकिल का जो मालिक है वह आ भी गया, आप पूछ भी सकते हैं उनसे। मेवालाल सोनकर इनका कहना है कि मैं नैनी क्षेत्र में, मैं एक शादी में 17 तारीख को गया था और वहां पर मेरी मोटरसाइकिल जो है चोरी हो गई थी जब मैं बाहर निकला। ये कौन लोग हैं, कोई अपराधी का रिकॉर्ड? ये बिल्कुल, ये अपराध करते रहते हैं, जेल जा चुके हैं और जेल में इनके अन्य अपराधी तत्वों से दोस्ती भी हो चुकी है। अब हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, इनके द्वारा कुछ नाम बताए गए हैं, हम पूछताछ कर रहे हैं ताकि और मोटरसाइकिल चोर जो जनपदीय क्षेत्र और विभिन्न रेलवे स्टेशन में सक्रिय हैं उनके बारे में जानकारी मिल पाए। लेकिन सिर्फ नाम बताने से इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि वो सच बोल रहे हैं, इसके लिए हम लोग अभी जाँच पड़ताल और पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल ये है, इनके पास से कुछ मोबाइल्स मिले हैं जो चोरी के मोबाइल्स हैं, उनके IMEI से कनेक्शन का प्रयास हो रहा है कि वो कहाँ गुमशुदगी और कहाँ मुकदमा है और किसका है, कौन ओनर है, इसका प्रयास अभी चल रहा है। लेकिन इनके द्वारा बताया गया है ये 5 चोरी के हैं और इसके अतिरिक्त तो कुछ पीली धातु, सफ़ेद धातु के कुछ जेवर भी मिले हैं। तो क्योंकि ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि हम जेल जा चुके हैं और नैनी थाने से मुख्य रूप से, तो ये अपराधी आदतन अपराधी हैं। कहाँ से गिरफ्तार किया गया इनको? इनको सिविल लाइन साइड जंक्शन में गिरफ्तार किया गया है और इनके द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि हम जंक्शन में भी, प्लेटफॉर्म में भी घूमते थे, चोरी करते थे और जनपदीय क्षेत्रों में भी, जो जैसे हाथ लग जाए।